कक्षानो एक्सरसाइज 1.3 का 9वां प्रश्न है। बताइए कौन सी संख्याएं परिमेय हैं या अपरिमेय हैं। क्वेश्चन पूरा आप बुक से देख सकते हैं। सर क्वेश्चन यही है कि इनमें से आपने बताना है कि कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं और कौन सी संख्याएं परिमेय हैं। सबसे पहला जो इसमें भाग है वो है रूट 23। 23 का रूट नहीं निकाला जा सकता क्योंकि यह पूर्ण वर्ग नहीं है, तो यह रूट 23 ही रहेगा। और क्योंकि यह रूट वाली एक संख्या है तो साफ जाहिर होता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। आप ये अपरिमेय संख्या को अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, यह एक अपरिमेय संख्या है। अगला जो भाग है वो है रूट 225। रूट 225 इसे कैसे करना है? देखो 225 जो है वो हमें पता है वो होता है 15 गुना 15, ठीक है। तो ये वर्ग में से, ये दोनों जोड़े में से एक जोड़ा इस रूट के बाहर आ जाएगा, बाकी रूट में कुछ नहीं बचा। तो हमें पता ही है कि 225 का जो रूट है वो 15 होता है। तो अब देखो 15 के ऊपर तो कोई रूट का निशान नहीं है, तो यह परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या नहीं है। तो आप यहां लिख देंगे यह एक परिमेय संख्या। यह बहुत आसान है बच्चों, बस समझने की बात है थोड़ी सी। इसके बाद देखिए हमारे पास है 0.3796। अब ना तो हमें पता है कि यहां रूट है, ना पता है कि रूट नहीं है, लेकिन हम देख सकते हैं इसका जो दशमलव प्रसार है ये 6 के बाद खत्म हो गया। यहां पे कोई डैश 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 नहीं है, है ना। तो इसका मतलब दशमलव प्रसार यहां खत्म हो गया। इसका मतलब यह एक 7 दशमलव है, इसका अंत हो चुका है, राइट। और हमें तो पता है कि अपरिमेय संख्याएं तो होती हैं अनवसानी अनावर्ती, लेकिन यह तो 7 दशमलव है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्या नहीं है, यह एक परिमेय संख्या है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है 7.478478-। इसका मतलब आप देख पा रहे हैं ये 478478 आगे डैश का मतलब आगे भी यही पैटर्न रिपीट होगा, 478478478। इसका मतलब यह एक कैसा दशमलव बन गया, यह अनवसानी है, यानी इसका अंत तो नहीं हो सकता, लेकिन यह आवर्ती है। आवर्ती का मतलब है कि एक पैटर्न ऐसा है जो रिपीट हो रहा है, आवर्ती अनवसानी आवर्ती, यह एक पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। लेकिन हमें पता है कि अपरिमेय संख्याएं तो होती हैं अनवसानी अनावर्ती, यह तो अनावर्ती नहीं है, यह तो आवर्ती है, इसका मतलब यह अपरिमेय संख्याएं नहीं है। अपरिमेय नहीं है तो कैसी है? यह एक परिमेय संख्या है, ठीक है बच्चों, यह एक परिमेय संख्या है। आखिरी भाग है इसका 1.10100001000001-, ये आगे रिपीट होता जा रहा है। आप देख रहे हैं ना तो इसका अंत हो रहा है, ना ही कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है। आप कहोगे कि सर हो तो रहा है, यहां पे 1 है 0 है 1 है 0 है, लेकिन देखो कहीं 1 0 है, कहीं 2 0 है, कहीं 3 0 है, कहीं 4 0 है, तो कोई चीज रिपीट नहीं ना हो रही। ऐसा नहीं है कि 1 0 है, यहां भी 1 0 है, यहां भी 1 0 है, यहां भी 1 0 है, ऐसा नहीं है, पैटर्न रिपीट नहीं हो रहा। तो यह कैसा दशमलव है? यह है अनवसानी। अनवसानी का मतलब होता है जिसका अंत नहीं हो रहा। और अनावर्ती, अनावर्ती का मतलब इसमें कोई पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, है ना। तो अनवसानी अनावर्ती, और हमें पता है कि जो दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होता है वह होता है अपरिमेय। इसका मतलब यह एक अपरिमेय संख्या है। यह बहुत आसान काम है, बस आपको इसको समझना है और अपने दिमाग में बैठाना है। दोबारा देख लीजिए, रूट 23 था, अपरिमेय संख्या थी क्योंकि रूट को हल नहीं किया जा सकता। 225 रूट था, 225 को हल किया जा सकता था, 15 आ गया, 15 एक परिमेय संख्या है क्योंकि रूट नहीं है। तीसरे भाग में यह एक 7 दशमलव है, इसका अंत हो गया था, इसलिए यह परिमेय संख्या है।
चौथे भाग में एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, यानी यह अनवसानी क्योंकि अंत नहीं हो रहा, और आवर्ती है यह भी परिमेय है, लेकिन ये भाग था जो अनवसानी और अनावर्ती था, इसीलिए यह एक अपरिमेय संख्या है। अगर आपको इसमें से कुछ नहीं समझ आया हो तो आप इस वीडियो को बार बार देखकर समझिए।